हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें ताकि आप देख पाए हमारे सारे वीडियोस सबसे पहले। इस दुनिया में पैसे कौन नहीं कमाना चाहता है। पैसा इंसान की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास पैसा है तो हम अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, और हमारे पास पैसा नहीं है तो हमारे सपने ना सिर्फ सपने बनकर रह जाते हैं बल्कि दुनिया में लोग पैसे को खास अहमियत देते हैं, क्योंकि अगर पैसा है तो ही आपके पास इज्जत है, घर है, दौलत है, रिश्तेदार है और दोस्त है। लेकिन ये सच भी नहीं है। आप पैसे से सब कुछ भी नहीं खरीद सकते हैं। दुनिया में पैसे कमाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं, कुछ लोग शॉप्स खोलते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो अपने पैसे दाव पर लगाकर ढेर सारे पैसे कमा लेते हैं। पर ये लोग ऐसी कौन सी जगह पर दाव लगाते हैं? ऐसी कौन सी जगह है जहां दाव लगाकर भी मुनाफा होता है? तो जी हां दोस्तों, ऐसी जगह है शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, जहां पर आप अपने पैसे दाव पर लगा करके काफी सारे पैसे कमा सकते हैं। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम शेयर मार्केट के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ बेसिक सी बातें करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि शेयर मार्केट आखिर होता क्या है। शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां बहुत सारी कंपनीज के शेयर खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। ये कैसी जगह होती है जहां इंसान अपने पैसे बढ़ाने के साथ साथ गवा भी सकता है। किसी कंपनी के शेयर खरीदने का मतलब है कि उस कंपनी का हिस्सेदार बन जाना, जिसका मतलब ये होता है कि अगर फ्यूचर में कंपनी को अगर फायदा होता है तो वो फायदा आपको भी होगा। जिस तरह से शेयर स्टॉक मार्केट में पैसे कमाना बहुत ही आसान है, ठीक उसी तरह से स्टॉक मार्केट में पैसे गंवाना भी उतना ही आसान है, क्योंकि उतार चढ़ाव बहुत ही तेजी से होते रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि शेयर बाजार में शेयर कब खरीदने चाहिए। शेयर मार्केट में शेयर खरीदने से पहले आप इस लाइन में अपना एक्सपीरियंस गेन कर लीजिए कि कब इन्वेस्ट करना चाहिए और कब इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कैसी कंपनी में आपको अपने पैसे लगाने चाहिए, तब जा करके आपको फायदा होगा। इन सब की नॉलेज रखने के बाद ही आप इन्वेस्ट करें। शेयर मार्केट में कौन सी कंपनी का शेयर बढ़ा या घटा है ये पता लगाने के लिए आप न्यूज़पेपर या कोई न्यूज देख सकते हैं। ये बहुत ही रिस्क से भरी हुई मार्केट है, इसलिए यहाँ आपको तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो, ताकि अगर आपको कोई घाटा होता है तभी आपको उससे कोई फर्क ना हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करें, अपने पैसे निवेश कर लेने से पहले अपना एक्सपीरियंस बढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि इस इन्वेस्ट में धोखे बहुत सारे मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंपनी फ्रॉड होती हैं और बाद में वो कंपनी सबके पैसे लेकर के 9-11 हो जाती है, जिसकी वजह से आपको घाटा सहना पड़ सकता है। इसलिए निवेश करने से पहले कंपनी के बैकग्राउंड को अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए। चलिए बात करते हैं कि शेयर मार्केट में शेयर कैसे खरीदा जाता है। शेयर मार्केट में शेयर खरीदने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट बनवाना पड़ता है। इसके भी दो तरीके होते हैं। पहला यह है कि आप किसी ब्रोकर के पास जा करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। शेयर खरीदने के बाद जो भी आपका मुनाफा होता है तो उसके पैसे आपके डीमैट अकाउंट में जाते हैं, ना कि बैंक अकाउंट में। और डीमैट अकाउंट आपके सेविंग अकाउंट के साथ लिंक होकर के रहता है। आप जब चाहे डीमैट अकाउंट से अपने पैसे सेविंग अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड, पैन कार्ड या आईडी कार्ड भी लगा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप किसी बैंक में जाकर अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्रोकर की तरफ से अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि एक तो वो उसे अच्छे से मैनेज करेगा, सपोर्ट भी मिलेगा, साथ ही शेयर को खरीदने के लिए एक अच्छी कंपनी भी सजेस्ट करेगा। ऐसा करने के लिए वो कुछ चार्ज भी करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि शेयर कब खरीदे और बेचे जाते हैं। शेयर खरीदने और बेचने के लिए जरूरत पड़ती है स्टॉक एक्सचेंज की। इंडिया में मेन स्टॉक एक्सचेंज है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE। यहीं पर स्टॉक खरीदे और बेचे जाते हैं। ये जो ब्रोकर होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स होते हैं। हम सिर्फ उन्हीं के जरिए ये स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप भी शेयर मार्केट में ढेर सारे पैसे कमाना चाहते हैं तो इसके बारे में पहले पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में शेयर मार्केट के बारे में काफी बेसिक सी बातें जानी कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसा होता है, शेयर कहां से खरीदे और बेचे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके शेयर जरूर करें। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।